फ्रेंड आपका स्वागत है मेरे एमडी वाटिका में। तो आज मैं आपको सैर फिर एक बार सैर कराने वाली हूँ अपने किचन गार्डन की। तो देखते हैं मेरे किचन गार्डन में क्या क्या फिर से ग्रो हुआ है, क्या नहीं ग्रो हुआ है। तो और मैं आपको चने का अपडेट भी दूंगी फ्रेंड, तो इसीलिए पूरा वीडियो देखें। और भी मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ अपने किचन गार्डन की, तो चैनल पे सॉरी वीडियो पे बने रहे पूरा। तो और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो लाइक करना भी ना भूलें, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं अपने गोल गोल और ग्रीन ग्रीन टमाटर दिखाती हूँ। इसे मैंने जो रेड हो चुके थे उसे मैंने हार्वेस्ट भी कर लिया है फ्रेंड। तो मैं हार्वेस्ट करते वक्त वीडियो नहीं शूट करती। और ये कुछ चिली लगे हुए हैं, देख सकते हैं ये भी हार्वेस्ट के लिए तैयार हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए और ये देखिए फ्रेंड, गोभी लग चुकी है मेरे गार्डन में, और इतनी खुशी होती है मुझे देख के कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये देखिए मैंने मेरे पास जितने भी गोभी के प्लांट हैं सारे में गोभी आ चुकी है। ये देखिए छोटू सा प्लांट है, इसमें भी पत्ते बहुत कम है लेकिन फिर भी गोभी लगी हुई, और फूल भी इसकी गोभी के जो फूल हैं वो भी कितने अच्छे और कितने बड़े साइज़ में लग रहे हैं आप देख सकते हैं फ्रेंड। और ये वही पॉली बैग है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और ये देखिए बैगन, एक प्लांट में इतने सारे बैगन लग जा रहे हैं फ्रेंड कि ये प्लांट लगता है मुझे कि ये तो कभी टूट ही ना जाए। देख सकते हैं बैगन की भी साइज, बड़े बड़े साइज में भी बैगन लग रहे हैं फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड बैगन, एक ही प्लांट में इतने सारे बैगन लगे हुए हैं। तो यहीं और इधर भी बैगन, और ये वहीं मेरे गाजर का प्लांट है, देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया है और कितना ज़्यादा फैलते ही जा रहा है। इसमें एक चना का भी प्लांट है, इसमें चने मटर भी थे तो वो छुप गए हैं फिलहाल तो। और ये भी कुछ मेरे ग्रीन से पालक, और ये मेरे पुराने बैगन हैं जो गोल वाले थे और अभी भी इसमें एक दो फ्रूटिंग हो ही रही है फ्रेंड। और ये देखिए फ्रेंड, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे मटर अब ग्रो यानी इसमें जो कल फलियाँ लगना स्टार्ट हो चुकी हैं। ये देख सकते हैं मटर कितना प्यारा लग रहा है मुझे तो। तो इस मटर में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और इसमें मतलब मटर भी बनना स्टार्ट हो गया। ये देखिए फ्रेंड, और इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको। और ऐसे ही आप देख सकते हैं मेरे बहुत सारे मटर तो नहीं है, फिर भी जितने भी हैं उसमें सब में फ्लावरिंग स्टार्ट हो ही चुकी है फ्रेंड। तो आप भी अपने छोटे से गार्डन में छोटा सा ही प्लांट वेजिटेबल ज़रूर ग्रो करें। आपको भी ऐसे ही बहुत खुशी मिलेगी जब आपके प्लांट ग्रो करेंगे और उसमें बॉड्स बनेंगे, फ्लावरिंग होगी, उसके बाद उसमें फल लगेंगे तो और भी खुशी होगी फ्रेंड। और ये देखिए बैगन, इसमें भी एक लगे हुए हैं। और ये मैंने लहसुन जो दिखाया था आपको उस समय छोटे छोटे थे, देखिए कितने बड़े हो गए हैं। इसे मैं हार्वेस्ट करती रहती हूँ इसकी पत्तियों को। और ये वहीं मैंने जो चना मटर ग्रो किया था, तो एक आक मटर इसमें भी पहले का था जो अब ग्रो हो रहा है फ्रेंड। और इसमें चना भी, ये देखिए फ्रेंड ग्रो हो रहे हैं, ये भी चना ग्रो हो रहा है, ये भी तो मतलब चना भी इसमें अच्छे से ग्रो हो रहा है फ्रेंड। ये देखिए इसमें तो और ही अच्छे से ग्रो हुए हैं इतने सारे चने, बहुत इजी ग्रोइंग है। आप अगर आपने मेरा चना वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर विज़िट करके आप देख सकते हैं फ्रेंड चना कितने अच्छे से ग्रो हो गया है। और ये देखिए इस वाली टोकरी में भी मैंने लगाया था तो इसमें भी चना ग्रो हो रहे हैं, देखिए फ्रेंड। तो आज के वीडियो की अब यहीं तक था फ्रेंड। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। आप अपना ख्याल रखें, बाय बाय फ्रेंड्स।